हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएबी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट एडजस्टमेंट को लेकर है। यहाँ पर जो है जीएसटी आर 3B एंड 2A के मिसमैच को लेकर यहाँ पर ऑनरेबल कोड ने काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये ऑर्डर जो है आने वाले टाइम में भी आपकी काफी हेल्प करने वाला है। अपने नोटिस के रिप्लाई हो या फिर अपील हो, आपको यहाँ पर कोड करना है और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसे जी की जेन्युइन हार्डशिप को समझा, पहले समझिएगा कि किस पॉइंट पर किस बेस पर ये अलाउ की गई। तो जो एसएससी है उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है, आप ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो है अपील की भी रेमेडी अवेलेबल है। तो अपील में आपको क्या है, 10% डिपोजिट करना पड़ता है, लेकिन रिट पिटीशन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम रेक्टिफिकेशन में जा रहे हैं वहां पर भी आपको कुछ जमा नहीं करना पड़ता। आप किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर सकते हैं या फिर आप जो है अपील में जा सकते हैं। अगर वहां पर आपको लगता है कि वहां पर आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, तब आप रिट पिटीशन में भी जा सकते हैं। यहाँ पर एसएससी ने रिट पिटीशन फाइल की है और इसमें जो है फाइनेंशियल 21-22 के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। क्या रिक्वेस्ट की है कि जो ऑर्डर पास किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा उसको क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि वो बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वाले केस में ये दो पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर जो है एक ऑर्डर पास हुआ था जो 15 नवंबर को पास किया गया था, उसको चैलेंज किया गया ऑन ग्राउंड दैट द पेटिशनर डिड नॉट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, कि पेटिशनर को जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई टू कॉन्टेस्ट द टैक्स डिमांड्स ऑन मेरिट्स, कि वो अपने पॉइंट्स जो है सबमिट कर पाते, ताकि उनको जो है हो सकता था कि उनके फेवर में भी वो ऑर्डर पास हो सकता था। द पेटिशनर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड ऑफ प्लास्टिक स्क्रैप एंड अलाइड आइटम्स। जो है पेटिशनर जो है वो बिजनेस करते हैं होलसेल रिटेल ट्रेड ऑफ प्लास्टिक स्क्रैप्स का एंड अलाइड आइटम्स का। द पेटिशनर असर्ट्स दैट द कंसल्टेंट एंगेज फॉर द जीएसटी कंप्लायंस डिड नॉट कीप द पेटिशनर इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोसीडिंग्स कम्युनिकेटिंग इन द ऑर्डर इम्पोजिशन। तो उन्होंने जो है यहाँ पर ये सबमिट किया कि जो कंसल्टेंट थे उन्होंने जो है कंप्लायंस के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब जीएसटी कंप्लायंस के रिगार्डिंग उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं दी कि आपके यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही है या आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हुआ है। तो यहाँ पर जो है एसएससी की तरफ से जो एलिगेशन है वो ट्रांसफर की गई है कंसल्टेंट को। तो कंसल्टेंट को भी जो है यहाँ पर कोई भी टैक्स कंसल्टेंट है उनको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है कि अब जो जजमेंट्स आ रहे हैं उसमें जो एसएससी एक तरफा जो है सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं कंसल्टेंट की तरफ कि जी इनकी गलती की वजह से जो है उनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो गया। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर जो है कोई भी पेनल्टी या कुछ इस तरह के ऑर्डर पास नहीं हुए हैं, लेकिन आगे चलकर फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो तो आप जो है इसके लिए राइटिंग में कोई एंगेजमेंट लेटर या फिर जो है कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट आप तैयार कर सकते हैं कि आपकी क्या क्या लायबिलिटी होगी। आगे चलकर जो है जीएसटी में कोई भी लायबिलिटी आपके ऊपर ट्रांसफर ना हो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो एसएससी है उनको भी अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है, जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उनको अपडेट रखना है ताकि उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। और जो कंसल्टेंट है उनको भी यही रखना है कि जी जो भी एसएससी है उनके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होने चाहिए, तो ताकि वो कल को ये पॉइंट आउट ना करें और ये प्रूफ ना कर दें कि सारे के सारे डिटेल्स जो है कंसल्टेंट के पास थी तो उनकी गलती की वजह से ऑर्डर पास हो गया, उस चीज का ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने ये चीज सबमिट की। क्या सबमिट की कि एनुअल रिटर्न जो है जिसमें पेटिशनर ने खुद से पॉइंट आउट किया डिस्क्रिपेंसीज को 3B और 2A की, वो केवल 19,341 किया, 19,000 रुपए का तो वो एक्सेप्ट करते हैं, बाकी के अमाउंट को कह रहे हैं कि जी इसमें जो है उनकी कोई भी मिस्टेक नहीं है, वो मैच हो मतलब 100% मैच है, उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो जो है पेटिशनर जो है एक्सप्लेन कर देते, जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी डिमांड के अगेंस्ट में वो वहां पर एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन उनको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ऑन इंस्ट्रक्शंस ही सबमिट्स दैट, अब जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जो एसएससी है वो 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड का जमा करने के लिए रेडी है। तो देखिए यहाँ पर जो है अपील भी फाइल होती तो उसमें भी 10% तो जमा करना ही पड़ता, तो उस केस में जो है यहाँ पर एसएससी ने रिट पिटीशन ही फाइल कर दी। तो रिट पिटीशन में क्या है कि जो केस है वो रिमांड पे किया जाएगा। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, तो जो ये 3B 2A वाले मिसमैच वाला पॉइंट है इसको जो प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपरली इसको कंसीडर करेंगे कि अब की बार कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि देखिए ऑनरेबल कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं लोअर अथॉरिटी को जो है वो 100% जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और वो उनको डिसअलाउ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल थे गवर्नमेंट एडवोकेट, तो उन्होंने ये नोटिस एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जो ये ऑर्डर जिसको ये इम्पंज ऑर्डर कह रहे हैं वो इससे पहले उन्होंने इंटीमेशन भी उनको भेजी गई, फिर सोगोज नोटिस भी भेजे गए, उन्हें पर्सनली हियरिंग के लिए नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने जो है इसमें से कुछ भी अवेल यहां पर नहीं किया। ऑन परयूजल ऑफ द इम्पंज ऑर्डर इट इज क्लियर दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड
ऑफ बाय द पेटिशनर वाज रिवर्स ऑन अकाउंट ऑफ डिस्पैरिटी, और ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये डिस्पैरिटी है बिटवीन 3B and 2A. द पेटिशनर हैज प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड द एनुअल रिटर्न एंड लेटर काउंसिल कंटेंडिंग ऑन सच बेसिस दैट द डिस्क्रिपेंसी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 19,341. उनका कहना है कि जो ये एनुअल रिटर्न है उसमें इन्होंने ये चीज मैच करी हुई है और जो डिस्क्रिपेंसीज है वो 19,000 की है. तो यानी ये डिपार्टमेंट जो है एनुअल रिटर्न को भी कंसिडर नहीं कर रहा है. उसके लिए आप एनुअल रिटर्न को सबमिट करेंगे अपने रिप्लाई में. और ये भी बेटर है कि आप जो है अगर आपकी टर्नओवर बिलो भी जा रही है मतलब एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट से तो भी आप एनुअल रिटर्न फाइल कर दें. अगर कोई आपका टैक्स आ रहा है तो उसको आप क्या दें आप DRC 03 से सबमिट कर दें. उससे क्या होगा कि जो नोटिस आने के चांस है वो कम होंगे. और जो नोटिस अगर आ भी जाता है तो उस केस में जो है इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पर ऑन लेवल कोर्ट ने कहा कि ठीक है इनके ऊपर जो है 10% वाली कंडीशन लगाते हुए इनको अलाउ किया जाना चाहिए इसी बेस पर केवल कि ये 3B और 2A का मिसमैच है ये प्रूफ कर सकते हैं. वो यहाँ पर सबमिट किया है उन्होंने सोली फॉर द रीजन सेट आउट अबव द इम्पंज ऑर्डर डिडिट दिस सेट असाइड. इम्पंज ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया गया एंड द मैटर इज रिमांड बैक. और मैटर को रिमांड बैक किया गया इस कंडीशन के साथ कि 10% जो है जमा कराया जाएगा. जो SSC है वो जमा करेंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 2 weeks. 2 weeks का टाइम दे दिया जिस दिन ये ऑर्डर पास होगा. और जो पेटिशनर है उनको परमिशन दी गई है कि वो यहाँ पर सोगोज नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई भी अपने सबमिट कर सकते हैं. अपॉन रिसीट ऑफ द पेटिशन रिप्लाई, जैसे पेटिशन का रिप्लाई होगा उसके बाद 10% की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी कि 10% जो है इन्होंने डिपॉजिट कर दिया. तो डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है, इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग ए पर्सनल हियरिंग एंड उसके बाद एक फ्रेश ऑर्डर पास होगा. 3 महीने का यहाँ पर टाइम है जब पेटिशनर रिप्लाई सबमिट कर देगी वहां से 3 महीने काउंट होंगे. असेसमेंट ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया गया. जो बैंक अटैचमेंट है वो अभी भी रेज है, मतलब उसको फाइनल रिजल्ट जो भी ऑर्डर पास होगा उसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही डिस्पोज ऑफ किया जाएगा. ठीक है, विद आवर लेटेस्ट असेसमेंट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसी टाइप के असेसमेंट वीडियो यहाँ पर आप देख लीजिएगा. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं. आपको किस टाइप से रिप्लाई करना है, किस टाइप से आपको अपील करनी है, क्या क्या उसमें अटैचमेंट लग सकती है, सब कुछ आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं. और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से उसको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं. चैनल जो पर पजा फुली एजुकेशन है इसलिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी का बेनिफिट हो सके. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.